वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेला गया। इंडिया के बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बॉलर्स कुछ खास परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2023 में खतरनाक एंट्री हो गई है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया के तमाम बॉलर्स खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, जहां फास्ट बॉलर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का धागा ही खोल दिया। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग की टीम से खेलते हैं और रविंद्र जडेजा ने एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खतरनाक परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी खतरनाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आज के मैच में भी टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट ने भी खतरनाक परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2023 में खतरनाक एंट्री हो गई है। आज की मैच में शुभमन गिल बाहर है, इसके बाद की मैच में शुभमन गिल अवेलेबल होने वाले है। दोस्तों, आज की मैच में शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को मौका मिला। ईशान किशन भी खतरनाक फील्डिंग करते दिखाई दे रहे है। तो दोस्तों, शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को मौका मिला है। ईशान किशन भी खतरनाक बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप 2023 में चार टीमें कौन सी क्वालिफाई करने वाली है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।